टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन साथ आ रहे हैं, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब ये साथ आएंगे तो धमाका होना तय माना जा रहा है, लेकिन ये धमाका कुछ भी नहीं है। अब जो इस फिल्म से जुड़ी नई खबर आ रही है वो तो और भी धमाका मचाने वाली है, तो जानना चाहते हैं ना आप भी क्या खास होने जा रहा है, आइए देखते हैं इस स्टोरी में। आपको कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर्स में से एक यश चोपड़ा के बर्थडे एनिवर्सरी के मौके पर यशराज फिल्म्स ने एक धमाकेदार प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, जिसमें आपको लीड रोल में एक साथ नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे और 25 जनवरी 2019 को ये फिल्म रिलीज होगी। अब जाहिर सी बात है, जब दो एक्शन और पावर पैक परफॉर्मेंस देने वाले स्टार्स कोलैबोरेट करेंगे तो इनके लिए मेकर्स ऐसी ही हसीनाओं की तलाश कर रहे होंगे जिनका स्टार पावर और एक्टिंग स्किल्स इनके साथ मैच कर सके। मतलब इनके साथ स्क्रीन शेयर कौन करेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए ब्यूटीफुल और गॉर्जियस बेबो यानी कि करीना का नाम सामने आ रहा है। वहीं इस फिल्म के लिए रेस में कटरीना कैफ भी है, जो इन दो हसीनाओं में से किसी एक को आप इस फिल्म में धमाका करते हुए देख सकते हैं। कोई शक नहीं, इन दो हसीनाओं में से किसी एक को चुनना काफी टफ होने वाला है। बस देखा जाए तो कटरीना पहले से यशराज फिल्म्स की फेवरेट हीरोइंस में से एक है। कटरीना ने इस बैनर के साथ कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे एक था टाइगर, धूम 3 और जब तक है जान। इसके अलावा उनकी आने वाली दो फिल्में भी यशराज फिल्म्स के ही साथ है। सलमान खान के साथ टाइगर जिंदा है और आमिर खान और अमिताभ बच्चन के साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। वहीं कटरीना कैफ ऋतिक रोशन की भी फेवरेट हीरोइन में शुमार है, इसलिए कटरीना के लिए इस फिल्म के लिए लिए जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। वहीं अगर करीना की बात की जाए तो एक समय था जब ऋतिक और करीना साथ साथ हिट फिल्में दिया करते थे, जैसे याद है कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी। कुछ वक्त बाद इनके अफेयर की खबरें तेज हुई और फिर इनके बीच दूरियां आ गई और फिर इन्होंने कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन लगता है इस फिल्म के साथ अब फिर से हम ऋतिक और करीना की केमिस्ट्री का जादू देख सकते हैं। फिलहाल करीना वीरे दी वेडिंग की शूटिंग में बिजी है, हो सकता है इस फिल्म के बाद वो बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर ऋतिक और टाइगर स्टारर इस फिल्म के लिए हाँ कर दे। फिर ऐसा होता है या नहीं ये भी जल्द पता चल जाएगा। वैसे करीना या कटरीना में से आप किसे देखना चाहते हैं इस फिल्म में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। Hi, मैं हूँ शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वॉचिंग IBC24। Hi, I'm Faisal Khan and you're watching IBC24. Keep watching. Hi guys, this is Randeep Singh and you're watching IBC24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC24. Hello, this is Sandeep Suparkar and you're watching IBC24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC24.